नमस्कार, मैं अंजु सिद्धिप्रिया एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वह है हाउ टू चेक सेकंड मैरिज इन द बर्थ चार्ट। हमें यह देखना है कि सेकंड मैरिज क्या इस हॉरोस्कोप में प्रॉमिस है, और प्रॉमिस है तो कब होगी। मैंने एक और वीडियो भी बनाया था जहाँ कि मैंने सेकंड मैरिज की पॉसिबिलिटी हमें केपी मेथड से किस तरह से देखनी है, कृष्णमूर्ति पद्धति से किस तरह से देखनी चाहिए, वो हमने डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम वैदिक सिस्टम से, वैदिक पद्धति से किस तरह से हॉरोस्कोप से सेकंड मैरिज को देखेंगे वह पता करेंगे। आज के डेट में बहुत सोसाइटी चेंज हो चुकी है, और हमारे पास जो लोग आते हैं ऐसा नहीं कि उसमें सारे लोग मैरिड हैं और यह चाहते हैं कि वो उसके बाद यह जानना चाहते हैं कि उनके सेकंड मैरिज का योग है या नहीं है, बल्कि आज के डेट में हमारे पास यंगस्टर्स भी आते हैं जो यह जानना चाहते हैं कि क्या उनके लाइफ में एक से ज़्यादा पार्टनर है या उस एक ही पार्टनर के साथ पूरी लाइफ रहेंगे। तो चलिए हम इससे डिस्कस करते हैं। तो शादी को देखना है, इसके लिए हमें सबसे पहले, इवन दो कि हमें सेकंड मैरिज को देखना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि शादी के लिए जो इम्पॉर्टेंट हाउसेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो शादी के लिए जो इम्पॉर्टेंट हाउसेस हमें किसी भी हॉरोस्कोप में चेक करना चाहिए वह है 2, 7 एंड 11। सेकेंड हाउस हमारी फैमिली का, 7th हाउस से हम पार्टनर को देखते हैं और 11th हाउस से हम फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स को देखते हैं। तो सेकंड, इस तरह से शादी के लिए हमको 2, 7 और 11 का कॉम्बिनेशन जरूर देखना चाहिए। जो लोग लव मैरिज करते हैं उसके केस में, इन दैट केस हमको 2, 5 एंड 11 का कॉम्बिनेशन बनता है, या 2, 5, 7 एंड 11 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अगर किसी भी हॉरोस्कोप में 2, 5, 11 या 2, 7, 11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो डेफिनेटली इस इंसान की शादी होगी। तो ये हमारा कंफर्म हो जाता है कि एक शादी हमें पता चल गई कि इस इंसान की शादी है। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वहाँ हमें चेक करना चाहिए कि क्या यह शादी एक ही रहेगी या एक से ज़्यादा होगी। तो यहाँ कुछ रूल्स मैं डिस्कस करूँगी। रूल नंबर 1, अगर हम यहाँ पर बात करें तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि 7th हाउस में जो भी राशि है उस राशि का ओनर किस हाउस में बैठा है, और वह जिस हाउस में बैठा है वहाँ क्या डुअल साइन है या डुअल साइन वाले प्लैनेट के साथ वह कंजंक्शन में है। डुअल साइन में हमारे जुपिटर और मरकरी के प्लैनेट और उनकी राशियां आती हैं। मरकरी की 2 राशियां जेमिनी और वर्गो, और जुपिटर की 2 राशियां सैजिटेरियस और पाइसेस आएंगी। तो अगर इन दोनों में से कोई भी राशि अगर आपके 7th हाउस में हो, या 7th हाउस का जो लॉर्ड है वह इन राशियों में बैठा हो या इनके नक्षत्र में बैठा हो, तो भी यह बताता है कि इस जातक की एक से ज़्यादा शादी होने के चांस हैं। अब ये तो एक रूल है। अब यह ज़रूरी नहीं कि आपको जब आप पहली बार हॉरोस्कोप देखें तो आपको वह क्लियरली दिख जाए कि 7th हाउस का लॉर्ड डुअल साइन में बैठा है। अगर आपको, आपने लग्न चार्ट में देखा कि बिल्कुल क्लियर है, तो आपको D9 चार्ट में, दैट इज नवामसा चार्ट में जाकर देखना चाहिए कि सप्तमेश, हमारे लग्न चार्ट का सप्तमेश क्या डुअल साइन में बैठा है या किसी डुअल प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है। अगर कंजंक्शन में भी यह डुअल प्लैनेट के साथ होगा तो भी 2 शादियों के योग बनते हैं। तो ये यहाँ पर हमें क्लियर होता है कि इस तरह से हमें 2 शादियों के योग को देखना चाहिए। दूसरा रूल है कि अगर आपके 7th हाउस में मरकरी और सैटर्न का कंजंक्शन हो, साथ ही साथ यह किसी तरह से 11th हाउस के साथ भी कनेक्शन बनाए, तो इन दैट केस यह पॉसिबल है कि आपकी एक से ज़्यादा
दो शादियां डेफिनेट होंगी। अब यहां पर कभी कभी केतु का भी कनेक्शन आपको देखने के लिए कुछ चार्ट्स में मिलेंगे। इन केस कि आपको किसी भी चार्ट में केतु का कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वह यह बताएगा कि दूसरी शादी जो यह इंसान करेगा वह लोगों की नज़र में नहीं होगी, अर्थात यह हिडन होगी, लोगों को पता नहीं होगा। हो सकता है, यह पॉसिबल है कि उसकी फर्स्ट वाइफ के साथ वो रह रहा हो, या फर्स्ट वो अपने पहले स्पाउस के साथ रह रहा है या रह रही है, और साथ ही साथ उसके किसी और के साथ भी रिलेशन है जहाँ की वो एक तरह से मैरिड लाइफ जी रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जब भी आप कंफर्म करने जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिना सिर्फ एक चीज़ को देखकर आप किसी भी डिसीजन पर ना पहुँचे। अगर लग्न चार्ट में आपको दिखता है तो फिर D9 चार्ट में भी जाकर आपको कंफर्म करना चाहिए कि क्या ऐसी पोजीशन D9 में भी बन रही है। D9 में भी अगर बनती है तो आप बहुत ही दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पर दो शादियों का योग है, जहाँ बिकॉज केतु का कनेक्शन भी आ रहा है इसलिए पॉसिबल है कि दूसरी शादी छुपी हो या हिडन हो। अब हम आगे देखते हैं कि अगर सेवेंथ लॉर्ड का कनेक्शन सिक्स हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस से बने, साथ ही साथ यह ड्यूअल साइंस में भी हो, लाइक सेवेंथ हाउस का कनेक्शन सिक्स, एट एंड ट्वेल्व के साथ है, साथ ही साथ यह ड्यूअल साइन के साथ भी है बैठा है, तो यहाँ भी हमको दो शादियों का योग बन जाता है। दो शादियाँ की पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वह अगर काफ़ी बैडली अफ्लिक्टेड हो, उस पर किसी मेलेफिक प्लैनेट का आस्पेक्ट हो, या उसके उस पर किसी मेलेफिक प्लैनेट का आस्पेक्ट हो, या वो किसी ऐसे नक्षत्र में हो जो कि उसके लिए मेलेफिक हैं, या डेबिलिटेशन में हो, तो भी यहाँ पर दो शादियों के योग बनते हैं। ऐसे में भी यह पॉसिबल है कि इस इंसान की दो शादी होगी। अगर आपके लग्न से या मून से आपके हॉरोस्कोप में जहाँ भी फर्स्ट हाउस में हमारा लग्न होता है तो फर्स्ट हाउस से सेवन्थ हाउस में, या फिर आपको मून जहाँ भी आपके हॉरोस्कोप में बैठा है वहाँ से मून से आप उसके सेवन्थ हाउस को देखें, अगर वहाँ भी ड्यूअल साइन है तो यह पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान की दूसरी शादी होगी। कई बार सप्तमेश अगर तीन चार प्लैनेट के साथ बैठा हो तो ऐसे में यह एक पॉसिबिलिटी देता है कि उस इंसान की एक से ज़्यादा अफेयर होंगे या एक से ज़्यादा रिलेशंस हो सकते हैं। सप्तमेश जितने भी प्लैनेट के साथ बैठा हो, या कई बार हम यह भी देखते हैं कि अगर वीनस ड्यूअल साइन में है और वो एक से ज़्यादा प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है तो भी यह एक से ज़्यादा अफेयर्स या मैरिज की पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है। राहु सैटर्न या राहु आपके सेवेंथ हाउस में बैठा हो और इलेवेंथ हाउस को भी ऑक्यूपाई कर रहा हो तो भी यह दो शादियों का योग क्रिएट करता है। तो ये यहाँ पर मैंने बहुत छोटे छोटे से कुछ टिप्स दिए हैं जो आप देखकर किसी भी हॉरोस्कोप में समझ सकते हैं कि इस हॉरोस्कोप में दो शादियों का योग है या नहीं है। अब एक बार यह कंफर्म हो जाता है कि इस हॉरोस्कोप में दो शादियों का योग बन रहा है तो फिर दूसरी शादी कब होगी और कैसी होगी यह देखने के लिए हमें नाइन्थ हाउस से देखना चाहिए। इन केस कि आपका स्पाउस अलाइव है और आप दूसरी शादी करना चाहते हो तो आपको नाइन्थ हाउस से देखना चाहिए, और अगर आपके स्पाउस की डेथ हो चुकी है उसके बाद आप सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो ऐसे केस में हमको सेकंड हाउस से रिलेशन देखना चाहिए। तो रिलेशन हमें किस तरह से देखना है कि नाइन्थ हाउस का अगर संबंध सेकेंड और इलेवेंथ हाउस से बने, अगर नाइन्थ हाउस का रिलेशन सेकेंड और इलेवेंथ हाउस से बनता है तो यहाँ पर हमें दूसरी शादी का योग होगा। अब क्वेश्चन आता है कि दूसरी शादी कब होगी। दूसरी शादी ज़्यादातर सेकेंड या नाइन्थ हाउस की
महादशा, अंतरदशा या प्रति अंतरदशा में होती है। आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए कि क्या सेकंड हाउस की महादशा या नाइन्थ हाउस की महादशा या अंतरदशा चल रही है। अगर ऐसे में आप देखेंगे कि जब दूसरी शादी होगी तो सेकंड हाउस की महादशा या अंतरदशा रनिंग होगी, या नाइन्थ हाउस की महादशा अंतरदशा या इलेवेंथ हाउस की महादशा अंतरदशा रनिंग होगी, जो सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस को भी कनेक्ट करेगी। तो ऐसे समय में यह दूसरी शादी की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि हमको किस तरह से हॉरोस्कोप में यह देखना है कि सेकंड मैरिज का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप लग्न चार्ट से सिर्फ यहाँ पर कोई भी प्रेडिक्शन ना करें, बल्कि आपको सप्तमेश का कितना स्ट्रेंथ है यह देखने के लिए आपको D9 चार्ट में भी जरूर देखना चाहिए। D9 चार्ट में आपके सप्तमेश की स्थिति क्या है, वो क्या मेलिफिक से आस्पेक्टेड है या मेलिफिक प्लैनेट के साथ है या डेबिलिटेशन में है, इन सभी चीज़ों का भी हमको अवश्य विचार करना चाहिए। और उसके बाद ही आपको यह अपना प्रेडिक्शन करना चाहिए कि दूसरी शादी कब होगी और दूसरी शादी किस तरह की होगी, क्या दूसरी शादी में कंजुगल हैप्पीनेस होगी या नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने KP मेथड के से जो सेकंड मैरिज है उसकी भी लिंक यहाँ पे डाली है। जो लोग KP को फॉलो करते हैं प्लीज़ आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, जहाँ हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू।